मिलिए भारत की इस शान से, आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करता। यह है पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत। धरती पर हमारे जवान हैं, आसमान में राफेल और तेजस जैसे विमान, तो समंदर में जल्द ही बादशाहत होगी इसी स्वदेशी INS विक्रांत की। INS विक्रांत का परीक्षण का दौर लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसे हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच तैनात किया जाएगा, ताकि पानी के रास्ते भी दुश्मन हम पर बुरी नजर डालने की हिमाकत न कर पाए। INS विक्रांत का हार्बर ट्रायल पूरा हो चुका है। कोरोना संकट की वजह से इसके बेसिन ट्रायल्स में देरी हुई है। बेसिन ट्रायल्स में जहाज में लगे सारे उपकरणों की जांच की जाती है और इस बात का आकलन किया जाता है कि क्या जहाज समंदर में उतरने में सक्षम है या नहीं। स्वदेशी INS विक्रांत का बेसिन ट्रायल्स इसी सितंबर से शुरू हो जाएगा। भारतीय नौसेना इसे पूर्वी समुद्र तट पर विशाखापट्टनम में तैनात करना चाहती है। इसी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत का रशियन वर्जन, जिसे रूस से खरीदा गया है, हमारे पश्चिमी समुद्री तट पर कारवार में तैनात है। भारत लंबे वक्त से कोशिश में था कि तीन कैरियर बैटल ग्रुप्स के साथ समुद्र की रक्षा की जाए। कैरियर बैटल ग्रुप में एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ कई दूसरे जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और सबमरीन का बेड़ा होता है। 260 मीटर लंबे स्वदेशी INS विक्रांत का निर्माण फरवरी 2009 में कोचिन शिपयार्ड में शुरू हुआ था। इसमें 26 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। नौसेना ने फिलहाल इसे मल्टी रोल लड़ाकू विमान MiG-29 को तैनात करने के लिए चुना है। इसके अलावा इस कैरियर पर वेस्टलैंड सी किंग, स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव और अमेरिका से आने वाले रोमियो हेलीकॉप्टर भी तैनात किए जा सकते हैं। अनुमान यही है कि देश में ही तैयार हुई ये हमारी आन बान और शान 2023 तक नौसेना में शामिल हो जाएगी।